जालौन में कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सामने आया है, जहां आचार्य प्रमोद कृष्णम कर्नाटक में बीजेपी की हार पर तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, बजरंग दल हार गया और बजरंग बली की जीत हुई। बजरंग बली की कृपा कांग्रेस पर हुई है। 2024 में कांग्रेस की लहर आएगी। उत्तर प्रदेश से शुरू हुई प्रियंका गांधी की विजय यात्रा की पताका दक्षिण में भी फैली है। बता दें, कांग्रेस दौरान निर्धन कन्याओं के लिए आयोजित राजीव गांधी विवाह महोत्सव में आचार्य प्रमोद कृष्णम पहुंचे थे। आज जालौन आगमन हुआ है, कौन सा कार्यक्रम जिसमें आप आए? सामूहिक विवाह का विवाह है, बड़ा अच्छा लगा कि कांग्रेस पार्टी ने एक नई शुरुआत की है। कांग्रेस पार्टी ने निर्धन कन्याओं के कन्यादान का फैसला लिया है, ये एक अच्छी परंपरा है, मैं इसमें कामयाब देना है। कर्नाटक में बड़ी जीत मिली है कांग्रेस को, उसको किस तरह से देख रहे हैं? वो यूपी और अभी लोकसभा चुनाव भी है, कर्नाटक की जो जीत है वो इस बात का प्रमाण है कि बजरंग दल हार गया और बजरंग बली जी जीत गए। बजरंग दल और बजरंग बली जी की कृपा हमारे पास, हमारे साथ है। निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब था, इसको लेकर किस तरीके देखते हो, कैसे तैयारी करेंगे? निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिम्मा दिया गया था कि बीजेपी से लड़ा है, वो फेल हो गई है। अगला चुनाव कांग्रेस और भाजपा का होगा। हाल में आपने ट्वीट किया था कि अब मध्य प्रदेश की बारी हो, बजरंग बली का एक वीडियो भी ट्वीट किया है, इसको मतलब बजरंग बली का आशीर्वाद मानते हैं? उत्तर से शुरू हुई है विजय यात्रा प्रियंका गांधी जी के प्रयास से। हिमाचल प्रदेश से जो जीत की पताका फहराई गई वो दक्षिण में कर्नाटक में जीत की पताका फहरी है, विजय पताका फहरी है। 2024 में पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस की लहर आएगी और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को इस देश की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ देश सौंपा था, लेकिन 10 साल की शासन व्यवस्था में जो नफरत पैदा की है देश में, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बीजेपी का बहुत बड़ा पाप है। जिस धरती से वसुधैव कुटुंबकम, जिस धरती से विश्व बंधुत्व का नारा लगता था, युद्ध घोष होता था, जो धरती गंगा जमुनी तहजीब की मरकज मानी जाती है, जो धरती प्रेम सद्भावना की पावन धरती मानी जाती है, उस धरती पर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव और जहर जो घोला है, ये बीजेपी का पाप है। इस पाप का प्रायश्चित हमें करना पड़ा।